पुलस्त्य ऋषि दालभ्य ऋषि को कथा सुनाने लगे। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो शर्तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं बताती हूँ। जब ब्राह्मणी ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिए। देवांगनाओं ने उनको देखा कि ना तो वह गंधर्वी हैं और ना ही आसुरी हैं, वरन पहले जैसी मानुषी हैं। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर शर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।